राजसमंद। राजस्थान की प्रसिद्ध वीर भूमि मेवाड़ में बसा है राजसमंद। यहाँ के पर्यटकों को प्रकृति के विविध रंगों को देखने और महसूस करने को मिलता है। अपनी रंग बिरंगी छटा, अपने समृद्ध गौरवशाली इतिहास एवं प्राकृतिक सुंदरता के कारण विश्व विख्यात है। राजसमंद में राजसमंद झील, कुंभलगढ़ दुर्ग, हल्दी घाटी के अलावा भी ग्रामीण अंचल के कोने कोने में सुंदरता बिखरी हुई है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित है। नौ चौकी पाल गोमती नदी को रोककर सन 1661 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ हर सीढ़ी 9 इंच की बनी है। प्रत्येक 9 सीढ़ी के बाद एक चौकी है, इस कारण इसे 9 चौकी कहा जाता है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध शिलालेख राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इसमें मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के राज तिलक को काव्य के रूप में वर्णित किया गया है। राजसमंद झील सन 1962 में अकाल की विभीषिका को देखते हुए महाराणा राज सिंह जी ने गोमती नदी के ऊपर बांध बनाकर झील का निर्माण करवाया। यह झील विश्व की मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी पुरानी झीलों में से एक है। उदयपुर से लगभग 66 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। इस झील की परिधि 22.5 वर्ग किलोमीटर है। गहराई 30 फीट एवं जल ग्रहण क्षेत्र 524 वर्ग किलोमीटर है। महाराणा राज सिंह के नाम पर ही झील का नाम राजसमंद यानी राज समुद्र पड़ा। जिले का नाम भी राजसमंद झील के आधार पर रखा गया है। इरिगेशन पाल राजसमंद झील के ही नौ चौकी के विपरीत छोर पर इरिगेशन उद्यान स्थित है। इस उद्यान में तरह तरह के बच्चों के लिए मनोरम पार्क आदि हैं। योग साधना एवं टहलने के लिए यह अत्यंत उपयोगी एवं मनोरम स्थान है। यहाँ से झील का विस्तृत नजारा दिखाई देता है जो अलौकिक है। श्री द्वारिकाधीश मंदिर जिला मुख्यालय पर स्थित पुष्टिमार्गीय संप्रदाय का तृतीय पीठ है। ये मंदिर 1721 में महाराणा राज सिंह जी ने बनवाया था। यह मंदिर जिले का प्रमुख तीर्थ स्थल है एवं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ प्रभु श्री द्वारिकाधीश की मूर्ति स्थापित है, जिनके दिन भर क्रमानुसार दर्शन होते हैं। समयानुसार दर्शन का लाभ लिया जा सकता है। अन्नपूर्णा माता मंदिर राजसमंद झील के पास ही पहाड़ी पर प्राचीन अन्नपूर्णा माता मंदिर स्थित है। पहले यहाँ पहुँचना दुर्गम था, पर अब प्रशासन के प्रयासों के कारण अत्यंत रमणीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पीपलांत्री पीपलांत्री राजसमंद के पास एक छोटा सा गांव है, पर यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत एवं लगन से इसे विश्व प्रसिद्ध कर दिया। जल ग्रहण एवं पर्यावरण के क्षेत्र में इस गांव ने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल किए। आज से 20 साल पहले लगभग बंजर एवं वीरान पड़ा हुआ गांव आज हरियाली एवं पानी से लबालब भरा हुआ है। इस गांव में हर कन्या के जन्म पर 111 पेड़ लगाना, यहां की महिलाओं द्वारा पेड़ों को राखी बांधकर भाई मानना एवं लगाए गए पेड़ों की रक्षा करना आदि परंपरा विकसित की गई है, जिस वजह से ये गांव पर्यावरण विकास के लिए मिसाल बन गया है। सांगट का तालाब सांगट कला पंचायत में स्थित सांगट का तालाब अपने भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मार्बल माइंस राजसमंद मुख्य रूप से मार्बल उद्योग पर ही निर्भर है। यहाँ की संगमरमर की खदानें पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ का संगमरमर पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में निर्यात होता है। राजसमंद में मोरवड़, निझरना, आरना, उमठी, केलवा, आगरिया
आदि जगह का मार्बल अपनी विविधताओं के कारण प्रसिद्ध है। पैराग्लाइडिंग, राजसमंद झील के अंतिम छोर पर प्रशासन द्वारा एडवेंचर गेम्स एवं पैराग्लाइडिंग सेवा भी शुरू की गई है, जिसके द्वारा पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदर दृश्य एवं साहसिक खेलों का आनंद एक साथ मिलता है। श्री नाथ जी मंदिर नाथ द्वारा पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय का प्रधान पीठ है। यहाँ पूरे भारतवर्ष से दर्शनार्थी आते हैं। सन 1672 में स्थापित ये मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। राजसमंद जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 15 किलोमीटर है। राजसमंद जिले के नाथ द्वारा की चित्रकला शैली पिछवाई चित्रकला भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें कृष्ण भगवान की विभिन्न लीलाओं का चित्रण भी किया जाता है। श्रीनाथ जी के छवि के पीछे प्रदर्शित होने की वजह से पिछवाई का नाम दिया गया। पिछवाई चित्र नाथ द्वारा से विश्व भर में निर्यात भी किए जाते हैं। मोलेला आर्ट, पंचायत समिति खमनोर के निकट मोलेला अपने मृण शिल्पकला की वजह से विश्वविख्यात है। यहाँ स्थानीय लोक देवताओं की मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला का धीरे धीरे विकास हुआ, जिसने विश्व भर के कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया। यहाँ स्कल्पचर आर्ट की कई छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित हैं, जिससे मिट्टी शिल्प का कार्य एवं प्रशिक्षण होता है। हल्दी घाटी, राजसमंद जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर खमनोर के पास स्थित है। पंचायत समिति खमनोर के निकट मुगल बादशाह अकबर एवं मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के मध्य ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। भारत के इतिहास में इस घटना का विशेष स्थान है। यह वीर भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर चेतक समाधि एवं ऊपर स्थित महाराणा प्रताप स्मारक देखने लायक है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं। रक्त तलाई, पंचायत समिति खमनोर में ही युद्ध स्थल रक्त तलाई स्थित है। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में अत्यधिक खून खराबा हुआ, जिसे यहां रक्त का एक तालाब बन गया, जिसका नाम रक्त तलाई पड़ा। इस स्थान पर ऐतिहासिक महत्व की छतरिया, सेनापति हकीम खांसूर की समाधि, बाग आदि स्थित है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। शाही बाग, खमनोर एवं हल्दी घाटी के बीच ही शाही बाग स्थित है। कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के दौरान बादशाह अकबर की सेनाओं ने यहीं पड़ाव डाला था, इस कारण इस जगह का नाम बादशाही बाग पड़ा। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थान अत्यंत सुंदर है। चैत्री गुलाब का भी उत्पादन होता है। यह गुलाब वर्ष के सिर्फ चैत्र महीने में ही उगता है। राणा पूंजा स्मारक मचिंद, पंचायत समिति खमनोर में ही पहाड़ों के मध्य भीलू राणा पूंजा का स्मारक स्थित है। राणा पूंजा ने महाराणा प्रताप की सेना में हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किया था। मचिंद स्थित यह स्मारक चारों ओर से पर्वत से घिरा हुआ अत्यंत मनोरम स्थल है। नंद समंद बांध, नाथ द्वारा से खमनोर के बीच में स्थित है। ये बांध नाथ द्वारा एवं आसपास के क्षेत्रों को पीने के पानी की आपूर्ति करता है।
ये बांध बनास नदी पर बना हुआ है। प्राकृतिक रूप से ये बांध चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है। यह स्थल अत्यंत रमणीय है एवं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। बाघेरी बांध खमनोर पंचायत समिति क्षेत्र में मचिंद के पर्वतों में स्थित है। ये बांध 128 गांवों में पेयजल का स्रोत है। बारिश के मौसम में लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। अरावली की पर्वत मालाओं में यह बांध अत्यंत मनोहारी स्थल है। देलवाड़ा जैन मंदिर उदयपुर राजसमंद के बीच राजमार्ग पर स्थित देलवाड़ा अपने प्राचीन जैन मंदिरों की वजह से विख्यात है। जैन धर्म के प्राचीन इतिहास से संबंधित कई मंदिर यहाँ विद्यमान हैं एवं अभी तक पुराने अवशेष मूर्तियाँ आदि प्राप्त हो रही हैं। मंदिर के विभिन्न खंभों एवं गुंबद के मध्य उत्कीर्ण शिल्प स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। कुंभलगढ़ किला ये केलवाड़ा पंचायत समिति में स्थित है। इस किले की दीवारें विश्व प्रसिद्ध दीवारों में गिनी जाती हैं। यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। कई घाटियों एवं पर्वतों को मिलाकर इस किले को बनाया गया है। महाराणा प्रताप का जन्म भी इस स्थान पर हुआ था। ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से यह किला राजस्थान के अग्रणी स्थान में आता है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी व चीन की दीवार के बाद द्वितीय स्थान पर मानी जाती है। लाखेला तालाब अरावली पर्वतमाला के मध्य केलवाड़ा पंचायत समिति में आता है। ये तालाब अपनी विशेष आकृति की वजह से प्रसिद्ध है। हजारों पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। यह तालाब अपनी घुमावदार आकृति की वजह से प्रसिद्ध है। हमीरपाल केलवाड़ा पंचायत समिति में स्थित है। यहाँ पर कैटफिश मछलियों से यह स्थान आकर्षण का केंद्र है। ऐतिहासिक महत्व से पर्यटकों के लिए यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है। इस स्थान पर लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर भी है। यहाँ कई लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर तालाब में कैटफिश का संरक्षण किया गया है, जिसके कारण अद्भुत व आकर्षण कैटफिश देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। वेरों का मठ कुंभलगढ़ से 8 किलोमीटर दूर एक प्राकृतिक स्थान है। बनास नदी के उद्गम स्थल के साथ साथ आध्यात्मिक केंद्र भी है। यह स्थान भगवान परशुराम की आराधना के रूप में स्थित है। यहाँ अखंड अमर ध्वनि भी है जो हजारों वर्षों से प्रज्वलित है। जंगल सफारी कुंभलगढ़ से जंगल सफारी को जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इन वाहनों के माध्यम से अभ्यारण का भ्रमण कर सकते हैं तथा कई जानवरों को करीब से देख सकते हैं। श्री चार भुजा मंदिर जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर स्थित है। चार भुजा का मंदिर मेवाड़ के चार धामों में गिना जाता है। यह मंदिर सांस्कृतिक व धार्मिक रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं। रूप नारायण मंदिर चार भुजा से 7 किलोमीटर नजदीक
सेवंत्री ग्राम में रूप नारायण जी भगवान का मंदिर है। यह मंदिर अपने कलात्मक शिल्प वैभव एवं आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था तथा ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह स्थल पर्यटन का केंद्र है। राम दरबार चार भुजा एवं सेवंत्री के मध्य ही गोमती नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ स्थित विशाल काय कुंड अत्यंत दर्शनीय है। नदी के दोनों सिरों को जोड़ता हुआ यहाँ लक्ष्मण झूला अत्यंत आकर्षक है। इसे देखने के लिए वर्ष भर पर्यटकों की भीड़ रहती है। आमच माता केलवाड़ा पंचायत समिति में रिछेड़ के पास लगभग 3 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच आमच माता मंदिर एक अत्यंत दर्शनीय स्थल है। यहाँ का मेला भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ घने जंगल एवं पर्वतीय ऊंचाई की वजह से यहाँ कई पर्यटक आते हैं। जूड़ की बडली जूड़ की बडली केलवाड़ा पंचायत समिति में रिछेड़ से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जूड़ की बडली एक विशाल काय वट वृक्ष है जो कि 1500 साल पुराना माना जाता है। यह बरगद का पेड़ अपनी समूची शाखाओं के साथ लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा स्थान अत्यंत मनोरम है। भील बैरी राजसमंद के केलवाड़ा पंचायत समिति में स्थित है। भील बैरी एक झरना है। इसे देखने हेतु पर्यटकों को 2-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मानसून के मौसम में यह स्थान अत्यधिक रमणीय बन जाता है। हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। भील बैरी झरना की ऊंचाई 182 फीट है तथा झरने के आसपास के क्षेत्र में जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं। दिवेर का महाराणा प्रताप विजय स्मारक हल्दीघाटी युद्ध के लगभग 10 वर्षों पश्चात मेवाड़ एवं मुगलों के बीच में निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए। इस वजह से इस स्थान पर महाराणा प्रताप विजय स्मारक का निर्माण किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय से यह स्थान लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। विजय स्मारक के पास में ही युद्ध स्थल पर ही शौर्य स्मारक भी निर्माण किया गया है। ये बहुत ही दर्शनीय स्थल है। कमेरी पन्ना धाय स्मारक देवगढ़ पंचायत समिति से 20 किलोमीटर दूर आमेट रोड पर पन्ना धाय का जन्म स्थल माना जाता है। यहाँ पन्ना धाय के जीवन से जुड़ी घटनाओं का सजीव चित्रण मूर्तियों के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर पन्ना धाय स्मारक पेनोरमा का निर्माण किया गया है। यह ऑडिटोरियम बाहर व अंदर से देखने में बहुत खूबसूरत है। अपने विशिष्ट आकार के गुंबदों की वजह से दूर से ही आकर्षित करता है। गोरम घाट अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य एवं नैसर्गिक छटा की वजह से इस दुर्गम स्थान को मेवाड़ का कश्मीर भी कहा जाता है। देवगढ़ पंचायत समिति में स्थित इस स्थान पर पाली व अजमेर जिलों की सीमा भी लगती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ रेल मार्ग ही उपलब्ध है। मावली मारवाड़ के मध्य चलने वाली रेल जब इन वादियों से होकर गुजरती है तो अद्भुत दृश्यावली उत्पन्न होती है। अंग्रेजों के जमाने में बनाए हुए मजबूत घुमावदार पुलों हजारों फीट गहरी खाइयों के मध्य यात्रा स्वर्णिम एहसास व रोमांच प्रदान करती है। यहाँ काचबली पीपली से भी 5-6 किलोमीटर कच्चे मार्ग द्वारा जाया जा सकता है। रेल मगरा पंचायत समिति में दरीबा के पास सांसेरा में विशाल तालाब के मध्य जल देवी माता का मंदिर अत्यंत मनोहारी स्थान है।
चारों ओर पानी से घिरे हुए यह मंदिर एक छोटे से पुल के द्वारा जुड़ा हुआ है। कहते हैं यहाँ महाराणा प्रताप ने बादशाह अकबर को सोते हुए मूंछ काट दी थी। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं आध्यात्मिक पर्यटन की वजह से अत्यंत प्रसिद्ध है। सूरजबारी माताजी। रेल मगरा पंचायत समिति में ही दरीबा राजपुरा में स्थित सूरजबारी माताजी मंदिर अपने चमत्कारों की वजह से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि लकवा ग्रस्त मरीज मंदिर की बारी से गुजरता है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। इस मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है एवं हर वर्ष नवरात्रा में मेला भरता है। द्वारिकाधीश मंदिर सादड़ी। रेल मगरा के पास सादड़ी में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर करीब 400 वर्ष प्राचीन है। अपने उत्कृष्ट नक्काशी एवं शिल्प कला के कारण यह अत्यंत सुंदर है। जयपुर के करण सिंह कछावा ने यह मंदिर औरंगजेब काल में बनवाया था। कहते हैं नाथ द्वारा का श्री नाथ जी का मंदिर, कांकरोली का द्वारकाधीश जी का मंदिर एवं सादड़ी का द्वारकाधीश जी मंदिर लगभग आसपास समय ही निर्मित हुए हैं।